की डायरेक्टरी, मुझे प्रधानी, जिला लग पार्षद, एमएलए, सारा चुनाव इन्हीं को चाहिए कि हमारे क्षेत्र से। तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वाजिब अली आ जाए, अपने वहां से भी लड़ सकते थे, यहाँ तो लोकल कैंडिडेट बहुत। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और डीटीवी का कैमरा इस वक्त मिल खेड़ला या फिर मिल खेड़ा मदरसा, जिसको इस्लामिक मदरसा है, उसी के सामने आज हम पहुंचे हैं। वाकई में पूरा मशहूर है, कामा क्षेत्र में आता है। यहाँ हमारे साथ देश की वो क्रीम है, देखिए फ्यूचर देश का हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ बुजुर्ग और गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे कि अब की क्षेत्र की जो राजनीति है, अब की बार किस पार्टी का यहाँ वर्चस्व रहेगा। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक एक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब की बार असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी पार्टी के साथ यहाँ आएंगे और साथ में 18 या 19 तारीख को उनका यहाँ मेवात में दौरा भी रहेगा। चलिए उससे पहले राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे कि अब की बार किस पार्टी, किस नेता के साथ आप जाना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस को देंगे। देखिए सर, बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो एक रौनक होनी चाहिए थी, सरकार ने मंत्री बनाए आपके विधायक को, जब कांग्रेस की बात करते हैं तो वो चीज़ नहीं नजर आ रही, तो क्या वजह रही? वजह तो यही है, विकास कुछ कमी हुआ है, इतना नहीं जितना नगर क्षेत्र में हुआ है, उतना हमारे यहाँ नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ठीक है, अच्छी पार्टी है। आज बजट आया अशोक गहलोत जी का, बहुत अच्छा बजट है। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाई है, बिजली भी माफ़ करी है 2000 यूनिट भी है, और 25 लाख तक का जो इलाज फ्री कराया है, वो बहुत सबके लिए फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है। गरीब आदमी को फायदा मिलेगा, हर आदमी में पैसे के, दुर्घटना बीमा भी बढ़ाया है, आज 10 लाख तक का कर दिया है, शायद 5 लाख तक का। वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं गहलोत साहब की, गहलोत साहब के नाम पर और राहुल जी के नाम पर हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, बात करें क्षेत्र की, तो अभी क्षेत्र में जो नेता होंगे कांग्रेस के, कहीं ना कहीं जब भी मंत्री साहब हैं उनके पास टिकट होगा, तो कितना परसेंट वोट यहाँ से उठा पाएंगे? अब देखो, ये तो भविष्य बताएगा, सामने कैंडिडेट कौन आता है बीजेपी का। देखो क्या पता, अगर बीजेपी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए तो फिर टफ हो जाएगा। और बात करें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ अगर अपनी पार्टी से टिकट देकर उतारेंगे, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा, नहीं इतना नहीं पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि उसको लोग बाग जानते हैं। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानता है भाई ये कांग्रेस की वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, और बीजेपी जीत जाएगी तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र तो है ही। अब जानते लोग बाग नहीं चाहते कि बीजेपी जीते, फिर भी बीजेपी के बजाय कांग्रेस नरम पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, और राहुल जी की योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं जी। अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें आपकी बार सामने में कोई कैंडिडेट होगा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो वहीं आपने ये भी कहा कि आपकी बार जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसमें भी लोग बाग दिक्कतें पैदा होंगी, तो क्या मतलब आपका जो साफ एक नजरिया है, ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब पे यूं ही उंगली उठाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी अपने आप में जीतने के लिए उतरती है, कोई किसी को जिताने के लिए थोड़ी ना उतरती है सर। नहीं, फिर भी तो कैंडिडेट तो कांग्रेस का ही जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, तो जहाँ तक कांग्रेस को ही ज्यादा चांस है जीतने का। चलिए और भी लोग उनसे बातें करेंगे जी। क्या नाम सर आपका? अख्तर है नाम सर। अख्तर जी, किस पार्टी, किस नेता को वोट करना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए, हम नगर क्षेत्र से। नगर क्षेत्र से हैं, कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। कांग्रेस का कौन नेता वहाँ से होगा? वाजिब अली आएगा नगर से, वाजिब। ऐसे भी सुनने में आ रहा है, चलिए हम फिर से आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि वाजिब जी अगर कामा से आ जाते हैं तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय होगा? अभी आपने कहा कि कामा में बहुत नगर में बहुत ज्यादा विकास। वाजिब अली अगर कामा में आ जाते हैं तो उनको भरपूर समर्थन मिलेगा यहाँ से लोगों का। अगर बीजेपी पार्टी के साथ टिकट पे आए तो उनको, उनका नाम पे वोट मिलेगा, उन्होंने विकास बहुत किया नगर में। चलिए देखिए, ये यहाँ की जनता थी, उनका ये राय था जी। क्या नाम आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह किस पार्टी के साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ, आखिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए? जी ऐसा है, कांग्रेस को तो पूरे परिवार को, इनको सारे ही पद चाहिए, जैसे कि डायरेक्टरी, प्रधानी, जिला पार्षद, एमएलए, सारा चुनाव इन्हीं को चाहिए, एक पार्टी को। कांग्रेस को चाहिए या फिर यहाँ के मुख्य नेताओं को चाहिए? कांग्रेस को चाहिए, जायदा के ही मुख्य नेता को चाहिए, जायदा जो फिलहाल के एमएलए, उसी के परिवार को चाहिए ये सब, बाकी किसी का नंबर नहीं आने देंगे। कोई योग्य होगा तभी उसको तो लाया जाएगा, ऐसा कोई योग्य नहीं है। बीजेपी आएगी और बीजेपी के समर्थक में भरपूर जोर लगाएंगे हम। चलिए देखिए, अभी कहीं ना कहीं आपके नेता पे उन्होंने एक वार कसा है और कहा है कि सारे पद उन्हीं को चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों में रोष तो है इस बात को, ये सब तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस बार इन बातों को लेकर उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है,
हो सकता है हो। चलिए देखिए, उनके समर्थक ने कहा कि कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जनता ने चुना, जो यहाँ के डायरेक्टर सब बने हैं, तो जब आप लोगों ने यहाँ से एमपीएस जिताए तब उन्होंने डायरेक्टर बनाया, तो उससे पहले आप अपने एमपीएस से ये बात रख सकते हैं ना? बिल्कुल रखेंगे जी। अब तो जो हो गया वो तो निकल गया, जो टाइम था वो तो एमपीएस को दबाव बनाया गया। नहीं नहीं, अब तो कोई दबाव नहीं है। फिलहाल यहाँ लोकल कैंडिडेट बहुत है, लेकिन डरते हैं, दबते हैं, बड़े एमएलए हैं, कभी किसी को, अब जैसे कि बीजेपी से शौकत लड़ गया था चुनाव, तो उसी के पीछे प्रशासन भागा, कोई केस था छोटा मोटा, उसको बेचारे को प्रचार ही नहीं करने दिया। तो ऐसे ही होता है, बड़े लीडरों के हाथ में हो जाए जब मामला, तो क्या मामला हुआ था? तो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से, तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वाजिब अली आ जाए, तो उसके जैसा नेता हमें तो ना तो देखा है ना देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी पार्टी से आए, चेहरे पे वोट करेंगे। हाँ जी, पूरे उसे वाजिब के समाज को आप लोग ये मांग करते हैं, बुलाना चाहते हैं? बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वाजिब आए यहाँ। अच्छा, चलिए चलिए, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम असजद खान है जी। किस पार्टी को मतलब किस पार्टी को वोट करेंगे, किस नेता को वोट करेंगे? हम इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट करेंगे जी। कांग्रेस में अगर जायदा जी आपकी बार फिर से टिकट लेके उतरते हैं तो क्या जायदा जी को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, जायदा को ही टिकट मिल गया तो। अगर बात करें अभी क्षेत्र की जो दशा है और यहाँ के जो लोग गुस्साए हुए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कुछ लोगों का अपना अपना निजी मामला होता है, इसलिए वो रूसिया जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह इन्होंने विकास किया है, विकास करेंगे। इन्होंने हमारे यहाँ गोपालगढ़ में आईटीआई कॉलेज भी खुलवाया है और पहाड़ी में 132 केवी का जीएसएस बनवाया है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इंशाल्लाह हमारे मिल के मदरसे पर भी उन्होंने वादा किया है। अगर हम बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो कहीं भी विकास मुझे नजर नहीं आता, सड़कों की दुर्दशा है, शिक्षा को लेकर तो आप पूछे, हम आपसे सवाल करें तो आप जानते हैं बखूबी कि क्या हालात है, तो आप उनको विकास कहेंगे? हालात तो जी खैर खस्ता ही है, लेकिन फिर भी राज करते वक्त कितना वक्त हो गया एक ही परिवार, बहुत दिन हो गए, पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। तैयब जी ने भी राज किया था, इधर मंत्री जी ने भी बहुत दो वर्षों से, दो प्लानों से लगातार यहाँ पर एमएलए हैं, मंत्री भी हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे फिर भी काम करेंगी। हर बार उम्मीदें लगाते रहेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह लगाते रहेंगे और काम। क्या नाम बताया आपने? असजद खान जी नाम है। जी आपका नाम क्या है बाबा? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, इब्राहिम है। इब्राहिम जी, आपकी बार किस पार्टी को वोट करेंगे? हम तो कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस, आखिर कांग्रेस को क्यों दोगे बाबा? कांग्रेस को ही देंगे हम। अच्छा, अगर वाजिब अली जी आ जाते हैं आपके विधानसभा में तो क्या करोगे? ना, हम नगर से ही हैं। अच्छा, नगर से हैं, वाजिब अली के समर्थक हैं। चलिए, वैसे वाजिब अली जी ने क्या क्या काम ऐसे करवाए ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ भी वही हालात है? खूब बढ़िया काम करा जितना भी वहाँ से हो। अच्छा, खूब बढ़िया, समर्थक हो आप? चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे, आज हम मीलखेड़ा मदरसे पे पहुंचे, वहाँ के गणमान्य लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाय नहीं लेता हूँ, तो उन्होंने हमको बताया कि अब की बार हम लोग, कुछ लोगों का कहना था कि उनमें से कि हम बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। जी हाँ, तो हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल बताइए। जो ये शमशेर भाई बोल रहे थे कि यहाँ से शौकत जी ने पंचायत समिति सदस्य का इलेक्शन लड़ा था, जो साजिद प्रधान जी हैं जो यहाँ पहाड़ी से, उनके मुकाबले पर लड़ा था, वो जो शौकत जी का जो कहना में इलेक्शन था वो कोई राजनीतिक मामला नहीं था, उसके पास केस थे तो वो तो उखड़ेंगे भाई केस, तो अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो मर्डर में तो भाई मेरे को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो कोई राजनीतिक मामला नहीं था। चाहे वो जाहिदा को से हम कहें कि भाई अगर जाहिदा ने उनको बंद करवाया है, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उनके पर्सनल मामले थे, उनके पास केस थे, इसलिए उनके केस उखड़ाए और वो जेल गए या कुछ भी हुआ, जो भी बहरहाल। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि उन पर पहले भी केस था, मर्डर केस था या फिर अन्य कोई भी केस था, तो इस वजह से वो जेल गए। उसमें मर्डर केस था या उस पे अफवाह, उसके बेटे ने मर्डर किया था या कुछ भी था, लेकिन वो केस 4 साल पुराना, फिर 4 के टाइम ही वो केस याद आया कि ये कैंडिडेट बन गया, प्रशासन को भी पुलिस को भी सबको दबाव में उस टाइम ही क्यों याद आया, क्योंकि समय तो बहुत था उसको पकड़ने के लिए, तो जब वो खड़ा हो गया बीजेपी के टिकट से तो दबाव बना दिया कि ये तो मुलजिम है, तो उसे प्रचार ही नहीं करने दिया। कहना है कि पहले भी वही प्रशासन था, अपने क्षेत्र से भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने वहां से भी लड़ सकते थे, यहाँ तो लोकल कैंडिडेट बहुत, लेकिन वहां से आके और यहाँ इलेक्शन लड़ना। क्या मानना है कि अब की बार इस जो ये फैसला रहा था जायदा जी का या फिर उनके खुद का ये फैसला रहा था, तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, 100% दिक्कत होगी जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, अपनी अपनी राय अलग अलग होती है, लेकिन जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, चलो वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे शौकत जी ने इलेक्शन लड़ा था साजिद प्रधान जी के मुकाबले पर, तो केस तो उसके पास 4-5 साल पहले थे, लेकिन जब थानेदार जी ने उनको केस को उखाड़ा था यहाँ गोपालगढ़ से, तो यहाँ पर जवाहर सिंह बेडम जी आए थे, उन्होंने उनसे तहकीक की थी, तो उनको भी ये मालूम हुआ था कि ये केस तो कोई पुराने थे,
इसमें कोई जायदा का कोई रोल नहीं है जी। लेकिन उससे पहले भी प्रशासन वही था, विधायक भी वही थे, लेकिन उससे पहले 4 साल तक क्यों ढील दी गई? कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई सत्ता में आ गई, प्रधान भी वो जीत गए, डायरेक्टर भी जीत गए, इसलिए लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ समर्थकों की अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी, कहीं ना कहीं ये यहाँ साफ नजर आता है कि जो एक डायरेक्टर का पद था वो उन्हीं के परिवार में जाना, उनके बेटे के मतलब उस पद पे कायम हो जाना, ये उनके लिए कहीं ना कहीं इस जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता है चुनाव के मसले में, क्योंकि जनता का ये मन है कि हर पद उनको अगर चाहिए तो हम लोग हर बार कब तक देते रहेंगे, क्योंकि एक ही परिवार यहाँ पर राजनीति करता रहा है और राजनीति करते वक्त भी यहाँ इस क्षेत्र की वो दशा नहीं बदल पाई जो होनी चाहिए थी, वो यहाँ की तस्वीर अब नहीं नजर आती जो होनी चाहिए थी। वाकई में यहाँ अभी भी विकास नहीं है, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी वो आजादी की लहरें, वो विकास की लहरें नजर नहीं आती जो होनी चाहिए थी। मनोज आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ, मैं आपका अपना अजय कोहली, धन्यवाद।